गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर एवर यंग विद अग्रिमा। सो आज के वीडियो में हम स्मोकी आईज के बारे में बात करेंगे। स्मोकी आई ऐसा लुक है जो बहुत ही ज्यादा इजी भी है और बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट भी है। बहुत से लोग डरते हैं कि स्मोकी आई उनके ऊपर लुक अच्छा देगी या नहीं देगी, तो ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं आपको बहुत ही ज्यादा लाइट स्मोकी आई आपको शो करके दिखाऊंगी कि इससे आपकी आईज ज्यादा बड़ी भी नहीं दिखेंगी और आपको एक बहुत ही ज्यादा स्मोकी लुक देंगी। सो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बहुत से लोग चाहते हैं कि मेकअप उन्हें कर लिया है और वो स्मोकी आई करना चाहते हैं, तो डरने की कोई दिक्कत नहीं। सो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने मेकअप ऑलरेडी किया हुआ है और मुझे स्मोकी आई करना है, तो मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे अपने आई के नीचे अच्छा खासा बेकिंग पाउडर लगा लेना है ताकि जितना भी मेरा ब्राउन शेड या उसका ब्लैक का पॉलिश गिरे तो मैं अच्छे से इजीली उसको डस्ट ऑफ कर सकूं। तो सबसे पहला प्रोसेस मेरा यही है, लेकिन बेस्ट यही रहेगा कि आप मेकअप करने से पहले ही अपना स्मोकी आई लुक लीजिए। तो सबसे पहला प्रोसेस है, मैंने अपने आईलाइनर जेल को ले लिया है। आप अपना नॉर्मल काजल भी ले सकते हैं, मैंने अपना जेल लाइनर भी लिया है। उसमें सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको ऊपर के बेस में लगाना है और आपको अपने सिंपली ब्रश से लेके उसको ब्लेंड करना है। ये मेरा ब्लेंडिंग ब्रश है, इससे मैं ब्लेंड करूंगी। और आपको इसके बाद अपना न्यूड पैलेट लेना है। न्यूड पैलेट में मोस्टली आपको ब्राउन शेड्स ही अवेलेबल मिलेंगे। जैसे कि मैंने अपना ये पैलेट लिया है, इसमें मेरे ब्राउन के बहुत सारे शेड्स हैं, तो मैं सबसे पहले इस पे लाइट शेड लूंगी थोड़ा सा फ्रंट लुक को सेट करने के लिए। इसके बाद मैं अपना ये लाइट ब्राउन शेड लूंगी और मैं उसके ऊपर सिंपली ब्लेंड करूंगी। अब इसी के साथ आप देख रहे हैं थोड़ा सा डार्क कलर है, वो मैं बिल्कुल आउटर कॉर्नर में लेके ब्लेंड करूंगी। और आपको इस पे सिंपली कुछ नहीं देना है, हल्का सा हाइलाइटर यहाँ पर आपको लगाना है। अगर आपको स्मोकी आईज के ऊपर ग्लिटर लुक लेना है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपली से आपको ग्लिटर लगा लेना है। अगर आपको मैट बेस पसंद, आप मैट बेस भी उसे रहने दे सकते हैं। और ये आपका हो गया सिंपल, बिल्कुल इजीली स्मोकी आई मेकअप। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपके हल्के हल्के फॉलिस अगर गिरेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है। जो आपने बेक किया था उसको सिंपली आपको डस्ट ऑफ करना है और आपका आईज बिल्कुल भी, आपका मेकअप बिल्कुल भी नहीं खराब होगा। अगर आपको बहुत ही ज्यादा कट क्रीज लुक देना है तो आप सिंपली हल्का सा विंग दे सकते हैं अपने एंड में। सो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने कितने इजीली अपने आईज पर स्मोकी लुक ले लिया है। आप देख सकते हैं मेरा आईज। गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर कीजिएगा। बाय।